स्टूडेंट्स, पहले मैं एक बात को क्लियर कर दूं, ये जो मैसेज, ये जो वीडियो के द्वारा मैं मैसेज दे रहा हूं, वो उनके लिए है जो क्लास लेट ज्वाइन किए हैं और ये फर्स्ट डे क्लास, सेकंड डे क्लास, थर्ड डे क्लास, फोर्थ डे क्लास देख के दिमाग चकराता है कि इतने सारे पढ़ाई मैं परीक्षा के पहले कैसे करूं। तो उनकी जो ये सवाल है, या वैसे छात्रों के लिए है जो ज्वाइन तो पहले कर लिए थे लेकिन कोई भी कारण था जिसके कारण वो रेगुलर क्लास नहीं कर पाए, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। और इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हें आप जल्द से जल्द करके एग्ज़ाम को भली भांति क्रैक कर पाएं। देखिए, ये मेरी लास्ट कोशिश है। सबसे सुंदर तरीका तो है डे वाइज प्लानिंग में आप जाएं, लेकिन कुछ लोगों के लिए है कि भाई इतना लंबा क्लास हम कैसे करें, इतने दिनों तक का हर दिन का क्लास करना थोड़ा मुश्किल है, तो फिर हम क्या करें। तो चलिए इस पे हम आपको एक एक करके बताते हैं कि आपको करना कैसे है। देखिए, ये वीडियो के बाद वाला ही जो होगा उसमें लिखा होगा लाइब्रेरी मैथ फास्टेस्ट फास्ट। ये जैसे यहां लिखा हुआ है लाइब्रेरी मैथ फास्टेस्ट फास्ट, उसको जैसे क्लिक करेंगे आप तो पहले ये पोर्शन आपका खुलेगा, लाइब्रेरी मैथ फास्टेस्ट फास्ट। जैसे इसको आप स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ आएंगे, ये आपका आएगा फास्टेस्ट फास्ट पार्ट 1A। मतलब यहां पे देखिए हर एक पार्ट को दो भागों में बांटा गया है, फर्स्ट पार्ट 1A, फर्स्ट पार्ट 1 रेस्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट 2A, फर्स्ट फास्टेस्ट फर्स्ट पार्ट 2 रेस्ट पार्ट। यहां पे एक पार्ट में करीब करीब आपके 20 से 25 सवाल, कहीं पे 30 सवाल दिए गए हैं। तो ऐसे करके अभी मैंने आपको 120 सवाल दिया हुआ है। अब इसमें किसी को अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये मिलेगा मैथ फास्टेस्ट फास्ट 1। देखेंगे यहां पे स्टार्ट करने के लिए यहां पे आपको ईमेल देना होगा। आप अपनी ईमेल एक बार लिख के देते हैं, उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मतलब हर वक्त खोलेंगे, आपको ईमेल के जगह पे क्लिक करते ही आपका ईमेल आ जाएगा, आप डाल देंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। तो कहने का मतलब है एक बार आप ईमेल यहां पे डालना जरूरी है। उसके बाद देखिए यहां पे ये वीडियो है। अब मोबाइल को अगर घुमा के ऐसे कर लेते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टली रख देते हैं, तो देखिए यही जो चीज है वही लिखा हुआ है, मैथ कितना आसान, ये वीडियो स्टार्ट होता है। ये वीडियो स्टार्ट होने के बाद ये कैसे कितने आसानी से मैथ समझाया जा सकता है, ये एक पार्ट है। उसके बाद ही आप नेक्स्ट जैसे करते हैं ये पार्ट आता है, जहां पे सवाल है और सॉल्व कितने छोटे में किया जा सकता है। देखिए यहां पे उन सवालों को रखा गया है, यहां पे केवल अभी तो आपका 120 सवाल दिए गए हैं, फिर आपके 120 सवाल आएंगे जो किसी चैप्टर वाइज नहीं है, बल्कि हर चैप्टर का मिला जुला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जिसे बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। मेरा दावा है कि 250 से 300 सवाल आप सीख लेते हैं जब, तो फिर आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं उसमें 50-60% मैथ आपके करने की काबिलियत आ जाती है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो शुरू कहां से करते हैं, शुरू करते हैं ये वीडियो देखने के बाद ही, इसके नीचे ही होगा लाइब्रेरी मैथ फास्टेस्ट फास्ट करके, उसको क्लिक करेंगे, फिर मैंने जैसे बताया ये सारे चीज खुलते हुए आपके पास आएंगे। पहला यहां से शुरू करते हैं, यहां अपना ईमेल डालते हैं, ईमेल डालने के बाद वीडियो स्टार्ट होता है, फिर यहां से आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं। देखिए यहां पे आप देखेंगे कि ये आप जैसे ही आप इसको देख के समझ लेते हैं, फिर आपको खुद क्वेश्चन लगाना होता है, जो इसके सेकेंड पार्ट में मैं जानबूझ के नहीं दिया कि बड़ा लंबा चौड़ा हो जाता। तो मतलब है कि इस तरह से क्लास आप शुरू करते हैं। अब जैसे जैसे देखें कि फर्स्टेस्ट फर्स्ट पार्ट 1A कंप्लीट होता है, तो फिर आप क्या करते हैं, उस पे जाते हैं। अब देखेंगे जैसे फास्टेस्ट फास्ट पार्ट 1A जो था, इसके नीचे लिखा हुआ है क्विज फास्टेस्ट फास्ट पार्ट 1A।
आप जिस दिन यहां सीखते हैं उसके दूसरे दिन, जिस दिन सीखते हैं दूसरा दिन, देखिए यही आपके क्लास में पार्ट वन फर्स्ट डे सेकेंड डे में सजाया हुआ है, लेकिन चूंकि आपके पास अभी वक्त कम है इसके लिए हमने लाइब्रेरी करके इसे क्लास से बाहर अलग लाइब्रेरी बना के दे दिया है, उस लाइब्रेरी में ये दोनों चीज है। तो जिस दिन पढ़ेंगे उसके दूसरे दिन रिविजन करेंगे, उसके फिर तीसरे दिन रिविजन करेंगे, उसके बाद सातवें दिन रिविजन करेंगे, तो दो रिविजन करना जरूरी है। ये रिविजन करने के लिए जैसे इसको क्लिक करेंगे देखिएगा ये फास्टेस्ट फास्ट वन ए का खुल जाता है, लेकिन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है और लॉगिन है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करके पासवर्ड देना है, पासवर्ड देने के बाद सेम आपका यूजर नेम और लॉगिन देते हैं तभी ये खुलेगा। अगर किसी कारण से आपसे ये नहीं हो रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपके लिए यूजर नेम और पासवर्ड खोल के दे दूंगा, फिर आप दे सकेंगे। तो ये गणित की प्रैक्टिस की ये पूरी कार्रवाई जो है आप समझ चुके होंगे कि ये कैसे करना है। तो अभी हमने देखिए आपको 120 सवाल दिए हैं जो मेरे हिसाब से अगले 5 दिनों में खत्म हो जाना चाहिए, क्या कि एग्जाम नजदीक आता हुआ जा रहा है, थोड़ा तो स्पीड अगर 1 घंटा करके हर दिन देते हैं तो ये बड़े आराम से हो जाता है। इसके अलावा भी चैप्टर वाइज भी मैथ दिया हुआ है, लेकिन समय जिनके पास कम है या जो दूसरे तरह से सीखना चाहते हैं उनके लिए ये फास्टेस्ट फास्ट जो है वो काफी आसान तरीका है, जिसके लिए मैंने अलग से इसको बना के दे रहा हूं। और आगे चलते हैं, अब देखिए इसी तरह जीके एंड रीजनिंग का भी लाइब्रेरी होगा, और जैसे मैंने बताया हुआ है वो अगले 3-4 दिन में ये भी लाइब्रेरी आपको दिखने लगेंगे, और जैसे आपने मैथ का शुरू करते हैं उसी तरह जीके करते हैं, रीजनिंग करते हैं। तो ये फिर से दोहराता हूं उनके लिए है जो डे टू डे क्लास नहीं कर पा रहे हैं, अपने सुविधा अनुसार करना चाहते हैं, उनके लिए ये है। और लेकिन एक बात अवश्य जान लें कि ये अत्यावश्यक है एग्जाम को जीतने के लिए। यहां लाइब्रेरी में केवल मैंने उतना ही दिया हुआ है जितना नहीं होने, जितना अगर नहीं होता है तो एग्जाम में दुखी हो जाने की संभावना है। तो आशा करता हूं कि मैं अपने शब्दों में सुस्पष्ट रहा, समझाने में सुस्पष्ट रहा। अगर इस पर भी कोई आपके मन में सवाल है तो आप बेझिझक मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इतना ही, और जीके और रीजनिंग के लिए मैं अलग से वीडियो नहीं दूंगा, क्योंकि एक वीडियो बनाना भी वक्त का जरूरत होता है। आपको 3-4 दिन के बाद ऑटोमेटिक लाइब्रेरी दिखेगी, जीके की लाइब्रेरी दिखेगी, रीजनिंग की लाइब्रेरी दिखेगी, जैसे मैथ की लाइब्रेरी में आपको सब आपको मिला हुआ है उसी तरह ये फोल्डर में होगा। तो चलिए अब मुझे विदा दीजिए, गुड नाइट।